अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा शमशाद और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। इस वीडियो में हम उर्दू की किताब कलियां 5 प्लस का सबक बड़िए से चार हरफी अल्फाज करेंगे। आइए चलते हैं इस सबक के तदरीसी मकसद की तरफ। तलबा मसवता बड़िए से बनने वाले चार हरफी अल्फाज के बारे में पढ़ और जान सके। प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने बड़ी ए से दो हरफी अल्फाज यानी अरकान साजी करना सीखा था। इस सबक में हम बड़ी ए की मदद से चार हरफी अल्फाज बनाना सीखेंगे। तो आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी, बा जे बाजे, ता रे तारे, ता ले ताले, आ ते आटे। प्यारे बच्चों, अब तक तो आपको चार हरफी अल्फाज बनाने आ गए होंगे, तो आए मिलके मेरे साथ पढ़िए। जा गे जागे, शाबाश। जा ए जाए, जा ले जाले, दा ने दाने, डा ले डाले, सा रे सारे, जा ते जाते, का ले काले, गा ने गाने, ला ते लाते, मा रे मारे, बो ले बोले, तो ले तोले, को ठे कोठे, खो टे खोटे, सा जे साझे, तो रे तोड़े, जो रे जोड़े, रो ते रोते, रो के रोके, टो के टोके, सो ते सोते, सो चे सोचे, तो ते तोते, धो ने धोने, गो ले गोले, ला ए लाए, मो टे मोटे, मो जे मोजे, हो ते होते, खा ते खाते, खा के खाके, जा ने जाने, भागे भागे, ढाबे ढाबे, मारे मारे। प्यारे बच्चों, अब आपने ये अल्फाज खुद पढ़ने हैं और इनकी इसी तरीके से दोहराई करनी है। शाबाश, अब हम चलते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारी पहली सरगर्मी ये है कि आपने दिए हुए अरकान को अल्फाज में तलाश करना है और उनके साथ मिलाना है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। जी, तो हमारी दूसरी सरगर्मी ये है कि आपने अरकान को आपस में मिलाना है और नए अल्फाज बनाने हैं और उन अल्फाज को दी गई जगह पर लिखना है। मसलन गो ले से क्या बना? गोले, और आप उसको दी गई जगह पे लिख दें। जी हाँ, इसी तरह आप ये सरगर्मी मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी सरगर्मी की तरफ। तीसरी सरगर्मी हमारी ये है कि आपने अल्फाज में से हरूफ को अलग करना है और उन अल्फाज में जो हरूफ मौजूद हैं उनको दी गई जगह पे लिखना है। जी, मोहतरम उस्ताज़ा कराम, तलबा से सरगर्मियों के बारे में ज़बानी बातचीत करें। पहले तो उनको ज़बानी मुकम्मल करवाएं और फिर उनसे कहें कि अपनी किताब में खुद लिखें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अब बड़ी ये से चार हरफी अल्फाज आराम से बना सकते हैं और इन्हें लिख भी सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।